तो हाई गाइज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्वागत है आप सभी का एक और बार मेरे यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस पर और आज मैं फिर आप सबके सामने हूँ एक नई जॉब की अपडेट के साथ और जिस जॉब की अपडेट में आज लेके आया हूँ आपके सामने इस कंपनी में अप्लाई करने के लिए बहुत से लोग बहुत लंबे लंबे अर्से तक इंतज़ार करते हैं बिकॉज इस कंपनी के जॉब की अपडेट्स है ना वो हमेशा रेगुलर इंटरवल पर नहीं आती है काफ़ी काफ़ी टाइम के बाद इसकी जॉब की अपडेट्स आती है जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ गूगल की आज जो अपडेट मैं आपके सामने लेकर आया हूँ ये है गूगल कंपनी की तरफ से और गूगल में बेसिकली ये तो जॉब्स आती नहीं है अगर आती है जॉब्स तो उस पर बहुत सारे कंडीशन लगे होते हैं कि मिनिमम इतना क्राइटेरिया चाहिए हमें इतना जॉब का एक्सपीरियंस चाहिए या कुछ कुछ रहता है वहाँ पर बट इस बार खुशी की बात यह है कि क्राइटेरियाज़ बिल्कुल नहीं है इवन यू आर अ फ्रेशर देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके नंबर वन जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बेनिफिट है इसका ये है कि ये परमानेंट वर्क फ्रॉम होम होने वाला है आप अपने घर से काम कर सकते हैं अपने घर की सहूलियत से काम कर सकते हैं सेकेंड चीज जो इसकी सैलरी है वो थर्टीन लाख पर एनएम की सैलरी है प्रोवाइड कर रहा है आपको अलग अलग जॉब रोल्स के लिए जो काफी अट्रैक्टिव सैलरी है और एनी वन इवन इफ यू आर अ फ्रेशर अभी जस्ट ग्रेजुएशन पास करी है आपने एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर सम जॉब सम न्यू जॉब सम करेंट जॉब डेफिनेटली यू कैन अप्लाई एंड वंस यू अप्लाई डेफिनेटली यू कैन गेट अ पैकेज ऑफ थर्टीन लाख और काम करते करते एक दो साल में यू कैन इवन इंक्रीज योर पैकेज टू फिफ्टीन प्लस लैक्स पर एनम सो ऑब्वियसली आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है ये थर्ड थिंग ये है अगर आप घर से काम करते हो तो सारी फैसिलिटीज़ इंक्लूडिंग वाईफाई एंड ऑल सब गूगल पे कर रहा है सबसे खास बात इस कंपनी की ये होती है कि फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है इसमें जितनी भी कंपनीज मार्केट में अवेलेबल है उन सब कंपनीज के कंपेरिजन में इफ़ यू सी द फैसिलिटीज़ जो यहाँ मिलती है वो कहीं नहीं मिलती है घर से अगर आप काम कर रहे हो तो हर चीज़ का पैसा हर चीज़ का एक्सपेंस गूगल आपको देती है आपकी सैलरी के अपार्ट वो सैलरी में इंक्लूड नहीं होता है अपार्ट फ्रॉम योर सैलरी यू गेट ऑल द एक्सपेंस बस ये चाहती है आप अच्छे से काम करो और इनको एक अच्छा सा तो प्रोडक्शन ला के दो जो इनका एग्जैक्ट काम है जो इनका एग्जैक्ट वर्क प्रोग्रेस है उसमें चाहती है बेहतर करके दिखाओ आप तो आइए देखते हैं कौन सी है जॉब की अपडेट और कैसे करना है इसके लिए अप्लाई मैं सब कुछ बताऊंगा तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा एंड ट्राई टू लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स बिकॉज अप्लाई करने में काफ़ी दिक्कतें आ सकती है आपको अगर आपने इस वीडियो को मिस किया तो तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबके इस वीडियो को एंड तक देखिएगा इन केस कोई क्वेरी हो उसको नोट डाउन कीजिएगा एंड जस्ट आस्क मी द क्वेरी ऑन कमेंट सेक्शन आफ्टर आई कंप्लीट दिस वीडियो सो गाइज नाउ लेट्स मूव ऑन टू आर स्क्रीन एंड लेट्स सी वॉट इज द जॉब प्रोफाइल एंड हाउ वी कैन अप्लाई फॉर दिस प्रोफाइल तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं सो गाइज एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन की जो पोजीशन है ये एनालिस्ट की पोजिशन है बेसिकली इस पोजीशन में आपको डिफरेंट डिफरेंट जॉब रोल्स मिलते हैं जब आपका इंटरव्यू होगा सो आफ्टर इंटरव्यू जहां भी उनके पास रिक्वायरमेंट होगी वो आपको वहां उस जॉब रोल के लिए प्लेस कर देंगे तीन चार जॉब रोल है इनके पास मल्टीपल प्रोफाइल्स हैं इनके पास सो दे सी कि आपका इंटरव्यू कैसा बीता और आप किस चीज़ के लिए परफेक्ट हो अकॉर्डिंगली दे प्लेस यू फॉर दैट प्रोफाइल नाउ डायरेक्टली वी आर कमिंग टू द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बेसिकली आपको हैंडल करनी पड़ेगी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज यू हैव टू मेंटेन अ पॉजिटिव एंड प्रोफेशनल एटीट्यूड टुवर्ड्स कस्टमर ऑब्वियसली गूगल इज अ रेनोन ब्रांड इन मार्केट एंड गूगल की ब्रांड इमेज सब कुछ है उसके लिए तो ऑब्वियसली वैल यू आर टॉक टू अ कस्टमर वैल यू आर टॉकिंग टू सम पीपल हुम यू आर गिविंग द रिजोलूशन सो आपका जो एटीट्यूड होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए और रिजोल्यूशन जो है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए एज पर दे आर रिक्वायरमेंट्स ठीक है जो बहुत बेसिक नीड है वाइस ठीक है देन नेक्स्ट चीज़ है कि दे आर गिविंग यू डिफरेंट प्रोफाइल्स लाइक इन लाइव चैट ई मेल्स मैसेजिंग वॉइस नॉन वॉइस तो मल्टीपल प्रोफाइल्स हैं इनके पास तो एज आई टोल्ड यू दैट जैसे आपका इंटरव्यू होगा अकॉर्डिंग टू योर इंटरव्यू बेसिस वो आपको अलाइन करेंगे कि आप किस चीज़ के लिए सूटेबल हो एंड अकॉर्डिंगली दे प्लेस यू फॉर दैट प्रोफाइल ठीक है नेक्स्ट थिंग इज दे इज द फ्लेक्सीबिलिटी इन द शिफ्ट मतलब द शिफ्ट गोज ऑन फॉर ट्वेंटी फोर इंटू सेवन बट अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट जहां भी उनको रिक्वायरमेंट होगी वो आपको उस जगह पर प्लेस कर देंगे बट अगैन अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो एंड इफ यू हैव सम प्रॉब्लम इन सम पर्टिकुलर शिफ्ट यू कैन टॉक टू योर मैनेजर एंड मैनेजर कैन चेंज योर शिफ्ट एज पर द अवेलेबिलिटी ठीक है नेक्स्ट पॉइंट इज यू हैव टू रिजॉल्व द कस्टमर्स क्वेरी ठीक है इन द मोस्ट अप्रोप्रिएट वेज यू कैन और एस्किलेशन नहीं आनी चाहिए आपकी जैसे किसी कस्टमर से आपने रूट बिहेव कर दिया वो चीज़ें तो वो वो खास कर इन लोगों ने लिख रखा है ताकि वेन यू गो टू द जॉब रोल वैन यू एक्चुअली स्टार्ट परफॉर्मिंग एट दैट टाइम कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए आपको ठीक है 95 परसेंट प्लस क्वालिटी मांगते हैं ये आपसे मतलब आपकी जो वर्क क्वालिटी होनी चाहिए दैट शुड बी मोर देन 95 परसेंट बिकॉज एज आई टोल्ड यू बिकॉज इज अ ब्रांड सो so, इनके लिए क्वालिटी बहुत मैटर करती है वॉट यू डिलीवर टू द कस्टमर ठीक है तो ध्यान रखना है आपको कि क्वालिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए ठीक है बाकी बेसिक रिक्वायरमेंट है ऐसा कुछ हाईफाई रिक्वायरमेंट नहीं है बहुत सिंपल रिक्वायरमेंट्स है जो ऑब्वियसली आपको ध्यान रखनी पड़ती है वेन एवर यू अ जॉब इन एनी कंपनी ठीक है नाउ कमिंग टू क्वालिफिकेशन एज आई मैंशन कि बैचलर्स डिग्री कोई भी होगी वो चल जाएगी आपने बी बी ए किया है बी सी ए किया है बी कॉम किया है बी टेक किया है एनी थिंग कैन वर्क इवन इफ यू आर अ फ्रेशर तो भी अप्लाई कर सकते हो आप एक क्राइटेरिया और भी है इसमें आपकी वर्बल और रिटन इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए ठीक है इंग्लिश लैंग्वेज में एक पर्टिकुलर स्किल अच्छी होनी चाहिए आपकी वर्बल अच्छा हो या राइटिंग स्किल अच्छा हो आपका बिकॉज देखो उनके पास अलग अलग प्रोफाइल्स है अगर वर्बल अच्छा है तो दे प्लेस यू इन अ वॉइस प्रोसेस अगर रिटर्न अच्छा है तो दे विल गिव यू द ई प्रोसेस अकॉर्डिंगली दे शिफ्ट वो चीजें होती है ठीक है सेकेंड चीज़ उन लोगों ने लिख रखी है कि आपका जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो जीरो टू एटीन के बीच में होना चाहिए इट इज बिकॉज कि आपकी सैलरी थोड़ी हाइक हो जाती है मतलब अगर कोई फ्रेशर ज्वाइन कर रहा है उसको बहुत मिनिमम सैलरी मिलती है जो बेसिक सैलरी होती है बट अगर कोई एक्सपीरियंस ज्वाइन कर रहा है तो डेफिनेटली एज पर द प्रीवियस एक्सपीरियंस इन प्रीवियस कंपनी आपको सैलरी में हाइक मिलता है इंक्रीमेंट मिलता है तो दैट इज वेरी गुड पॉइंट कोई कंसर्न नहीं है उसमें ठीक है अपार्ट फ्रॉम दैट नाउ कमिंग टू द बेनिफिट्स के क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं आपको इस कंपनी में एज अ एम्प्लॉय ठीक है तो फर्स्ट थिंग इज आपको मेडिकल आपको डेंटल और आपको विजन कवरेज कंपनी दे रही है मतलब आपका पूरा मेडिकल का खर्चा आपका विजन का कोई कंसर्न होगा तो और डेंटल खर्चा वो सब कुछ कंपनी आपको कॉम्पनसेट कर रही है मतलब एज सुन एज यू हैव एनी इशू आपने बिल प्रेजेंट किया आपको उस बिल के अगेंस्ट में आपका पैसा मिल जाएगा अपार्ट फ्रॉम योर सैलरी जो कंपनी बियर करती है ठीक है अपार्ट फ्रॉम दैट एक बहुत अच्छी क्वालिटी दी है इस कंपनी ने कि अगर इफ यू आर गोइंग टू बिकम अ पेरेंट अगर आप मैरिड हो एंड इफ यू आर गोइंग टू बिकम अ पेरेंट तो पेरेंट्स को ये ट्वेंटी सिक्स वीक्स की मेटरनल लीव देती है तो गाइज इन द मार्केट बहुत सारी कंपनीज है आज मार्केट में कंपटिशन्स में बट इतनी लीव कोई नहीं देता है किसी भी कंपनी में किसी भी एम्प्लॉय को इतनी लीव कभी नहीं मिलती है बट ये बहुत अच्छी क्वालिटी है गूगल की कि ये छब्बीस महीने की लीव दे रहे बीट अ पेरेंट बीट अ फादर बीट अ मदर कोई भी हो अगर आपको चाहिए तो ट्वेंटी सिक्स वीक्स की आपको मेटर्नल लीव देती है वो भी फुल पेड कंप्लीटली पेड लीव मिलती है आपको तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है ये पॉइंट ठीक है सेकेंड इज अगर इनके ऑफिस खुलते हैं या आपको ऑफिस बुलाते हैं तो आपका पूरा मील आपका लंच डेली का लंच फ्री होता है कंपनी के एंड से वो कंपनी बी करती है और कंपनी के अंदर के स्पोर्ट्स जितने भी हैं जो चीज़ें हैं वो आप खेल सकते हो एंड यू कैन इन्जॉय द इन्वॉयमेंट आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है मुझे कि गूगल का इन्वॉलमेंट कैसा होगा बिकॉज आप जानते हो गूगल एक ऐसी कंपनी है जो अपनी ब्रांड इमेज में अपने कस्टमर्स की सेटिसफेक्शन में और अपने एम्प्लॉइज़ को ध्यान रखने में बहुत आगे रहती है तो ऑब्वियसली वॉट एवर थिंग्स यू आर रिक्वायर्ड जो भी आपको वहाँ पे चाहिए वो सब चीज़ें आपको ईजिली वहाँ मिलेगी और जितनी फैसिलिटी यहाँ मिलेगी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको कहीं और नहीं मिलेगी बिकॉज इनका यही एक ब्रांड इमेज है ठीक है अपार्ट फ्रॉम दैट नाउ कमिंग टू नेक्स्ट स्टेप हाउ टू अप्लाई आपको अप्लाई का बटन दिखा था अभी जो तो मैंने क्लिक किया आपको उसको क्लिक करना है एज सू एज यू क्लिक आपके सामने ये फॉर्म खुल के आ जाएगा ठीक है इस फॉर्म में फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक डिटेल्स भरनी है आपको जैसे कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपका ई मेल आपका फ़ोन नंबर बेसिक चीज़ें देन दे आर आस्किंग फॉर रेज्यूमे और सी आपका रेज्यूम सी वी जो आपने बना के रखा होगा लेटेस्ट ट्राई करना टिल डेट जो भी जॉब आपने करी है उसका जितना भी एक्सपीरियंस है आपके पास उसको वहाँ पे मेंशन कर रखो ठीक है ताकि दे कैन सी द अपडेटेड सी वी आन द न्यू सी वी ठीक है अपार्ट फ्रॉम दैट कवर लेटर मेंशन कर रखा है इन्होंने पर मैंडेटरी नहीं है तो so अगर इफ़ यू हैव कवर लेटर यहाँ पे डाल दो अपलोड कर दो अगर नहीं है तो कोई कंसर्न नहीं है दे आर नॉट लाइक पुटिंग इट मैंडेटरी कि आपको करना ही पड़ेगा आपके पास है तो आप करो नहीं है तो कोई बात नहीं ठीक है वेरी सिंपल कवर लेटर क्या होता है यू कैन जस्ट गूगल इट वंस अगेन बिकॉज कवर लेटर एक अलग टॉपिक है आई हैव टू मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस अगर आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी मुझे बताना कमेंट सेक्शन में आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर कवर लेटर कैसे बनता है कवर लेटर क्या होता है इसमें आई विल टेल यू एवरी थिंग अबाउट दैट ठीक है अपार्ट फ्रॉम दैट नेक्स्ट थिंग इज आपने इस जॉब के बारे में कहाँ से सुना कुछ भी मैंशन कर दो दे विल नॉट लाइक वेरीफाई या कुछ ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे आप कुछ भी मैंशन कर दो देन नेक्स्ट थिंग इज लिंकड इन प्रोफाइल आई डी मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आपकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग है आपने अच्छे से प्रोफाइल बना रखी है लिंगडिन में तो ही अपनी जो आईडी है लिंगडिन की वो मेंशन करना अगर प्रोफाइल उतनी स्ट्रांग नहीं है बिकॉज आप जानते हो कि आपने कितना वर्क किया है लिंगडिन पर राइट कितनी चीजें उसमें ऐड कर रखी है अगर वो इतनी स्ट्रांग नहीं है प्रोफाइल तो बेटर है उसको मैंशन मत करना बिकॉज वो चीज़ें चेक करते हैं बाद में आपकी प्रोफाइल में जाकर ठीक है इट्स बेटर कि आप वहाँ मत मैंशन करो ठीक है नेक्स्ट थिंग इज आई यू कंफर्टेबल विथ नाइट शिफ्ट देखो नाइट शिफ्ट इनके पास होती है जरूरी नहीं कि आपको नाइट शिफ्ट मिलेगी मिलेगी बट अगर रिक्वायरमेंट हुई तो आपको दे सकते हैं तो मैं तो वही बोलूंगा कि आप यहां पर ये डालना नो no डालने से एक आपका इंप्रेशन खराब होता है कि आप कंफर्टेबल ही नहीं हो तो आपको हम क्यों हायर करें इतनी बड़ी कंपनी है बाद भी यू कैन नेगोशिएट बट अभी के लिए वाइल फिलिंग द फॉर्म इस पर यस ही डालना मेरी स्ट्रांग रिकमेंडेशन है आप सबको प्लीज गलती से भी नो मत डाल देना अदरवाइज कॉल आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे आपके पास ठीक है नेक्स्ट थिंग इज पार्ट फ्रॉम आर एप्लीकेशन वेरिफिकेशन प्रोसेस प्लीज अपलोड योर मोस्ट रिसेंट फोटो और सेल्फी इनका एक प्रोसीजर है जिसमें आपको मोस्ट रिसेंट फोटो अपलोड करनी है कोई भी एक सिंपल सी फोटो क्लिक करके आपको अपलोड कर देनी है ठीक है वो बहुत सिंपल रहेगा प्रोसेस ठीक है उसके बाद आपकी लोकेशन कौन सी आपको मेंशन करना है उसके बाद जो चीज़ें यहाँ पे दी हुई है स्कूल नेम डिग्री डिसिप्लिन ये सब उन्होंने मैंडेट्री नहीं कर रखा है अगर आप भरते हो तो कोई बात नहीं भरते हो तो भी ये मैंडेट्री नहीं है आपके लिए यू कैन डेफिनेटली लाइक चूज एज पर योर प्रेफरेंस ठीक है उसके बाद जस्ट यू कैन सी द सबमिट बटन सबमिट यूर एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना है आपको जैसे ही इस फॉर्म को सबमिट करोगे आप ऑटोमेटिकली यू विल गेट अ कॉल फ्रॉम गूगल विद इन नेक्स्ट फाइव टू सेवन वर्किंग डेज ठीक है डेफिनेटली जल्द से जल्द कॉल करते हैं गाइस बिकॉज इनके पास ना जो हायरिंग्स होती हैं वो बहुत जल्दी आती है और बहुत जल्दी खत्म भी हो जाती है तो जितने लोग इनका फॉर्म फिल करेंगे डेफिनेटली दे ऑल विल गेट अ कॉल एंड वो जब कॉल करेंगे तो आपका सीधा इंटरव्यू स्टार्ट करेंगे ठीक है इंटरव्यूज़ आई थिंक दो राउंड में होते हैं इनके फर्स्ट राउंड बहुत ही बेसिक होता है आपके बारे में कम्युनिकेशन स्किल चेक करते हैं आपका जेस्टर्स चेक करते हैं हाउ डू यू रिएक्ट टू कस्टमर्स ऑल दीज थिंग्स एंड सेकेंड राउंड में देल आस्क सम क्वेश्चन रिगार्डिंग देयर कस्टमर जो उनका जॉब रोल होगा उसके बारे में देल बी आस्किंग सर्टेन क्वेश्चन तो वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ठीक है सो so, दो चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इसमें ठीक है अपार्ट फ्रॉम दैट यू ऑल नो हम प्रिपरेशन भी करवाते हैं इस चीज़ की तो डेफिनेटली अगर कोई इंटरेस्टेड है किसी को लगता है कि मुझे प्रिपेयर करना है किसी का कम्युनिकेशन स्किल बहुत वीक है क्वेश्चन जानने हैं कैसे क्वेश्चन पूछते हैं आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई है डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना एक बार मॉक सेशन कैसे ज्वाइन करना है हमारा क्या करना पड़ेगा उसके लिए सब कुछ मैंने मेंशन कर रखा है तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए अगर आप वो चेक कर लोगे तो ठीक है आपको आइडिया मिल जाएगा प्रॉपर्ली कि क्या करना होता है उसमें ठीक है सो लास्टली मैं यही बोलूँगा गाइज कि एज़ यू ऑलवेज़ डू यू ऑलवेज़ सपोर्ट मी आपको मुझे सपोर्ट करना है इस वीडियो में भी आपको इस वीडियो को लाइक करना है इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को मैक्सिमम जगह पे शेयर करना है ताकि आप मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा सको और मैं आपके लिए और भी नई नई जॉब की अपडेट्स लाता रहूं। तो बस गाइज अप्लाइ करते रहो इस पर्टिकुलर फॉर्म के लिए अप्लाई करो हर चीज़ भरो कोई दिक्कत हो कमेंट ऑन कमेंट सेक्शन और अगर दिक्कत हो तो प्लीज़ कनेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप मुझे व्हाट्सएप करना आई विल ट्राई टू हेल्प यू ऑल गाइज विथ ऑल द जो आपको आ रहे होंगे सो एल सी यू सुन इन नेक्स्ट वीडियो गाइज till that time take care of yourself keep filling the form keep enjoying and bye bye take care